सब्सक्राइब कीजिए जस्टिन टेक चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नोकिया कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन धाकड़ स्मार्टफोन आप लोग कह सकती हो, वाटर ड्रॉप नोच और 5G नेटवर्क लगभग 8G डिवाइस है। काफ़ी कमाल का DSLR कैमरा क्लियरिटी के साथ में आने वाला है। इसकी कैमरा क्लियरिटी की बात की गई तो 45 मेगापिक्सल्स का बैक साइड में ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। नोकिया का पहला डिवाइस ये कहा जा रहा है जो बैक साइड में 5 लेंस कैमरा होगा, यानी कि 5G नेटवर्क पर होगा। सॉरी दोस्तों, रियर अमोलेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की गई तो लगभग 21 मेगापिक्सल्स का सेल्फी एक्सपर्ट कैमरा इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रीन की बात की गई तो लगभग इसमें 7 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। और रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करने से पहले, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 6GB रैम, 8GB रैम दो अलग अलग वेरियंट के ऊपर ये डिवाइस लॉन्च होगा और इसकी कीमत देखी गई तो 17,000 के आसपास कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है। और इसकी इंटरनल स्टोरेज की बात की गई तो 6GB रैम के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज, और भी ज़्यादा इसमें काफ़ी फीचर्स रखा जाने वाला है। दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस की बात की गई तो 7000mAh की बिग बैटरी पिकअप और फास्ट चार्जिंग 3.0 को ये डिवाइस सपोर्ट करेगा, जो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट रहेगा। दोस्तों आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताओ, इतने सस्ते दाम के ऊपर ऐसी एक फीचर्स वाला नोकिया एक DSLR कैमरा स्मार्टफोन लेकर आता है नोकिया Z3 को, क्या आप लोग बाय करना पसंद करोगे? तो अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को दिखाने के लिए और सब्सक्राइब।